तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम टेक्निकल गुरु है, जहाँ पे हम टेक्निकल वीडियो डालते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो आपको बहुत अच्छी कीमत में मिल सकते हैं, 10,000 के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर के साथ, सब के साथ मिलेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने पहले स्मार्टफोन की तरफ आते हैं। हमारा पहला स्मार्टफोन होगा शाओमी की तरफ से आने वाला रेडमी वाई टू में आपको बहुत अच्छे कैमरे देखने को मिलते हैं। फ्रंट की तरफ फ्लैश देखने को मिलती है, 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 12+5 का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर भी ठीक ठाक है इसका, और सेल्फी लाइट देखने को मिलती है आपके। फ्रंट की तरफ LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी कैमरे के साथ, बहुत अच्छा कैमरे का। रेडमी का वाई सीरीज़ कैमरे के लिए जानी जाती है, इसीलिए रेडमी का वाई टू भी कैमरे के लिए जाना जाता है। तो ये था 16 MP का फ्रंट कैमरा होगा। हम दूसरे स्मार्टफोन की, फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन की तरफ आते हैं। फोर्थ नंबर का स्मार्टफोन हमारा आ रहा है 10 और जी फ़ोन। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है जो इंडिया में बहुत कम चला, लेकिन बहुत अच्छे फीचर के साथ था, लेकिन इसको मार्केटिंग नहीं किया गया अच्छे से, इसलिए बहुत कम चला था। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर भी आपको, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, कैमरा भी बहुत अच्छा, सब कुछ आपको बहुत अच्छा, ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट देखने को मिलती है, और फेस अनलॉक देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये 10 और की तरफ से आने वाला है। और हम अपने थर्ड नंबर की, अमेजोन एक्सक्लूसिव होगा, हम थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर का स्मार्टफोन रहेगा रेडमी की तरफ से आना, शाओमी की तरफ से आने वाला है रेडमी नोट सिक्स और रेडमी नोट फाइव की बात करेंगे हम। रेडमी नोट फाइव बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, रेडमी सिक्स तो ज़्यादा कीमत का हो गया, रेडमी नोट फाइव बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। ड्यूल की फ्रंट की तरफ आपको ड्यूल कैमरा मिलता है, एक LED फ्लैश मिलती है, और पीछे की तरफ सिंगल कैमरा मिलता है, ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलती है, 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और फ्रंट की साइड आपको कैमरे के साथ साथ LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है, और बहुत सारे फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं इसके लिए। तो मैं इस वीडियो, तो रेडमी नोट फ़ोन बहुत अच्छा, रेडमी नोट फाइव बहुत अच्छा, इसमें आपको सभी तरह के नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, फ्रंट में LED फ्लैश देखने को मिलती है, और सभी फीचर आपको इसमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। स्क्रीन भी बहुत अच्छी है, और फुल HD प्लस डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, आपको बाहर से फास्ट चार्जर लेना होगा इसके लिए। तो हम अपने सेकेंड नंबर के फ़ोन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड नंबर का फ़ोन है Realme की तरफ से आने वाला Realme 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Realme एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो बजट सेगमेंट में अपने अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च करता है। और Realme 1 में आपको मीडिया टेक का Helio P60 प्रोसेसर देखने को मिलता है, पीछे की तरफ डायमंड कट डिज़ाइन देखने को मिलता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलता, और सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और कैमरा बहुत अच्छा है इसका, फ्रंट और बैक में आपको 13 MP का सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, 6GB 128GB का भी वेरियंट इसमें आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे 12 nm पे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर इसका Helio P60 बहुत पावरफुल है, और इसमें आपको फ्रंट कैमरे में AI का फीचर देखने को मिलता है, AI का फीचर और बहुत सारे। और हम अपने फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन हमारा Asus की तरफ से आ रहा है, Asus Zenfone Max Pro M1 Asus की तरफ से आने वाला है। Asus Zenfone Max Pro M1 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। Asus की तरफ से आता है, ये बहुत अच्छा चला था, 5000 mAh की बैटरी है, आपके 2 दिन का बैटरी बैकअप निकाल देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।